Assalamu alaikum students, hope you are fine. I am Isma Mamanat, your SSC teacher. As you all know, last time we have started our lesson number 4, that is mineral and natural resources of the Muslim world, and we read this chapter till the topic copper and till the page number 22. Now let's start our reading from the page number 2, and our topic is copper. Copper kya hai? Copper ek electrical industries mein use hota hai. Ye bahut acha conductor hai. इससे केबल्स, वायर्स और बाकी कंपोनेंट्स कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जनरेटर पावर्स में से इस्तेमाल किया जाता है और बाकी बिजली के सामान में. और कॉपर से बहुत अच्छा कुकिंग पॉट बन सकता है क्योंकि ये हीट को बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हीटअप करता है. और बाकी में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कॉपर को मिक्स करके बाकी मेटल्स बनाते हैं अपने कॉइन्स बनाने के लिए. और जो सबसे पहला मेटल है, जो कि सबसे पहले लोगों ने डिस्कवर किया, सबसे पहला जो लोगों ने डिस्कवर किया मेटल, वो कॉपर है, जिसको एक ब्रोंज के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता था. और ब्रोंज सबसे पहले मोहनजोदड़ो ने डिस्कवर किया 2500 BC में. और इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीड. लीड क्या है कि लीड को मोटर कार और बाइक्स वगैरह के इस्तेमाल में इस्तेमाल किया जाता है. और उनको एक्सरे वाली चीज़ें बनाने के लिए, एक्सरे के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो डॉक्टर्स और नर्सेज काम करते हैं उनको जो एक्सरे की बहुत तेज़ रेज होते हैं उनसे बचा जा सके, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं एक्सरे की रेज. उसके बाद लीड्स को बिल्डिंग बनाने के लिए, बुलेट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया के 6% लीड्स पूरी दुनिया में सप्लाई कर रही हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिंक. जिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जिंक इज अ मेटल विच इज यूज टू प्लेट वेरी थाइनी शीट ऑफ कॉन्जुरेट आयरन एंड स्टील विच आर यूज ऑफन अ चीप फॉर्म ऑफ जोफ्रिक. जिंक को प्लेट और थाइनी बहुत गहरी या मोटी सी शीट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत सस्ती होती हैं. और जिंक विल नॉट डस्ट एंड थर्स्ट प्रिवेंट द आयरन अंडरनेथ इट फ्रॉम डूइंग सो. और जिंक पे जंग वगैरह नहीं लगता. और जिंक को बाकी टॉर्च की बैटरीज बनाने के लिए, बाकी इंग्रीडियंट्स और मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और जो कजाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर जिंक की प्रोडक्शन करता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 23. यहाँ पर निकल. निकल क्या? निकल एक बहुत महंगा और बहुत वैल्यूएबल मेटल है. और ये एक ऐसा स्टील है जिसको जंग वगैरह नहीं लग सकता. ये शाइनी मेटल होता है और ये बाइसाइकिल्स और हैंड ब्रेक्स और बम्बर्स कार्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और बाकी निकल से सिल्वर के कॉइन्स में बनाए जाते हैं. इंडोनेशिया पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर निकल प्रोड्यूस सप्लाई करने वाला मुल्क है. उसके बाद है गोल्ड. गोल्ड क्या होता है? गोल्ड को हम लोग मोस्टली ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल गोल्ड को बाकी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है. ये बहुत अच्छा कंडक्टर है और ये कभी भी इस पर जंग नहीं लगता. और लेकिन आजकल जो गोल्ड है वो साइंटिफिक इक्विपमेंट है, खासतौर पे बहुत ज़रूरी कनेक्शंस बनाने के लिए कंप्यूटर्स के और बाकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. गोल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. गोल्ड इज समटाइम यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टीथ. और गोल्ड को नकली दांत बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इंडोनेशिया 7वें नंबर पे और उज़्बेकिस्तान 9वें नंबर पे पूरी दुनिया में गोल्ड प्रोड्यूस करता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. और टॉपिक इज सिल्वर. सिल्वर क्या है? सिल्वर इज आल्सो रेजिस्टेंट फॉर टर्निशिंग. सिल्वर को भी इस्तेमाल किया जाता है एक बर्तनों के तौर पर, ज्वेलरी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और सिल्वर के बर्तन बनाने के लिए, डिशेस, कप्स और ट्रेस वगैरह बनाने के लिए. और इसको कंप्यूटर्स में भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है. इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे कंडक्ट करता है. और इसको फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल के दौर में. कैमरा जो जो रिकॉर्ड करते हैं, जो इमेजेस बनाते हैं, जो डिजिटल स्ट्रिप्स हैं उनके लिए भी सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है. और सिल्वर को बहुत ज़्यादा केमिकल्स के थ्रू या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और इसको पुराने ज़माने में कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल इसको कॉइन्स बनाने के लिए बहुत सॉफ्ट कंसीडर किया जाता है, इसलिए अब इसे कॉइन्स नहीं बनाया जा सकते. और जो कजाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर पूरी दुनिया के सप्लाई कर रहा है सिल्वर की. सो वी डन विद आवर रीडिंग. सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एंड क्रिएटिव क्वेश्चन आंसर. रीड आउट दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.